अभी पर्स कैसे बदलूं? इन्हें तो यही लगता है ना कि मैं चोर हूँ। हाँ वैसे ये पर्स तो चुरा कर ही लाई हूँ, पर अच्छे काम के लिए कोई चोरी वोरी नहीं होती। अब दूल्हे की माँ आकर वर और कन्या का गठबंधन करें। जी पंडित जी। ये घूंघट वाली कौन है? ओह नो, इसके हाथ में तो राखी आंटी का पर्स है। थैंक गॉड, लगता है उसका पर्स भी राखी आंटी के पर्स के जैसा ही है। जल्दी से जल्दी कोई ऐसी जगह पर जहाँ किसी को भी नुकसान ना हो, वो भी फटाफट करना है क्योंकि फिर मुझे माँ के पास जाना है। माँ पता नहीं किस हाल में होगी। फटाफट जाके माँ को बचाना है और फिर वापस से शादी में आना है क्योंकि शादी रोकना भी बहुत जरूरी है। सॉरी बॉस, मुझे लगा कोई और है। गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम लोग बहुत चौकन्ने हो, बहुत अलर्ट हो, अच्छा काम कर रहे हो। एक और अच्छा काम करो, मुझे जल्दी से प्रीता जी से मिलवा दो। बॉस तो वो तो रोई जा रही है और छुपी नहीं होती है। मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए मैं नीचे आ गया। प्रीता जी है ही ऐसी एकदम प्योर हार्टेड, लवेबल, इतनी प्यारी है कि उन्हें दर्द में देखकर किसी अजनबी इंसान को भी दर्द हो जाए। फिर तुम तो मेरे भाड़े के गुंडे हो। लगता रहे, तुम लोगों को जितना बुरा लगता है लगता रहे, मैं अपने आप को अच्छा लगवा के आता हूँ। जल्दी से प्रीता जी को देख लेता हूँ। प्रीता जी की आवाज है, रोने की आवाज है। फिर प्रीता जी कहां गई? कहां है प्रीता जी? कहां है प्रीता जी? क्या बोला था तूने? रोने की आवाज सुनाई दे रही कमरे के अंदर से। बुरा लग रहा था, अब बुरा लग रहा है? अब किसे बुरा लग रहा है? कितने पैसे ठूसे थे तुम लोगों के मुंह पर ये बोल के कि पल पल नजर रखना उन पे। फिर कहां गई वो? कहां भाग गई वो? बॉस पता नहीं वो कैसे भाग गई, मुझे तो लगा वही रो रही है। वो रो रही है? वो नहीं है, रिकॉर्डर रो रहा है। अब तुम सबके सब रोओगे, सबके सब रोओगे। जस्ट वेट एंड वॉच। प्रीता जी भाग गई, पता नहीं कहां भाग गई है। अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? एक काम करता हूं, बेबी को बताता हूं। नहीं नहीं नहीं, उसको बताया तो वो पागल हो जाएगी, उसकी सटक जाएगी। न्यूज सुनते ही वो बॉम्ब का रिमोट दबा देगी। राखी आंटी के पर्स में जो बॉम्ब है वो फट जाएगा और सब एक साथ मर जाएंगे। नो नो नो,
अब हस्त मिलाप के लिए आप दोनों अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दीजिए और इस विधि को संपन्न करने के लिए घर के कोई बड़े सदस्य यहाँ आ जाएं। ये राम का भाई लक्ष्मण यानी कि दी करण लूथरा मुझसे पंगा लेके इसने अच्छा नहीं किया। मैं इसका करियर इस फेमस क्रिकेटर को बर्बाद कर दूंगी और इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसकी बर्बादी कब कैसे और क्यों हो गई। तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं। मेरे हर छोटे डिसीजन को बड़े डिसीजन को एक्सेप्ट करो और उसे रिस्पेक्ट करो, समझी? या फिर से समझाऊं? और ये मेरे दुल्हे की बहन, अब इसकी शादी का मुहूर्त भी जल्द से जल्द निकलवाना पड़ेगा उसके साथ जो इससे बहुत प्यार करता है। और ये राम जी कलयुग है और इस युग में भी ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। बेचारा शर्मिंदगी के बोझ तले दब के मुझसे शादी कर रहा है। जब इसे पता चलेगा ये शर्मीला जिस लड़की से शादी कर रहा है वो लड़की कितनी बेशरम है, उसके पेट में अपने प्रेमी के प्यार की निशानी पल रही है, यानी कि उसका बच्चा, तो इस राम जी का क्या होगा? ये कुछ ज्यादा ही कुछ नहीं दिख रही, इस हंसी के पीछे इसकी मक्कारी छिपी है। और ये मेरा भाई, ये ना सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसे ना मेरे जैसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम स्मार्ट ऑल्सो, ऐसी गिरवी लड़की को हैंडल करना आता है मुझे। एनीवेज हैंडल तो मैं अभी कर लूंगा, मैं अपने भाई से चाहे कितना ही नाराज क्यों ना हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, इसे ऐसे शहीद नहीं होने दूंगा, इसे तो मैं बचा के रहूंगा। पर जिसकी वजह से आज मेरे भाई की शादी यहां तक पहुंची है ना, उस प्रीता अरोड़ा को मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा। कहां फेंकूं इस पर्स को? जल्दी फेंकना होगा, इसमें बॉम्ब है। ओह माय गॉड, थैंक गॉड ये गिरा नहीं। थैंक यू माता रानी। शालिन का फोन, इस फोन में मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वो इसी फोन से अपने बंदों से बातें करती है ना, उनसे मैसेजेस करती है। उसने तो सब कॉल्स वगैरह डिलीट कर दिए, कुछ मैसेजेस भी नहीं छोड़े। लड़की इतनी चालाक कैसे? सब कुछ डिलीट करके रखा हुआ ताकि उसकी चोरी उसके कारनामों का कुछ पता ना चले। ओह माय गॉड, ये वीडियो, ये माँ का वीडियो, वो डिलीट करना भूल गई। डिलीट करना भूल गई या उसने जानकर रखा था ताकि इस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल कर सके,
मुझे बार बार डरा सके। पर अच्छा है, इस वीडियो से मुझे और पता चलेगा कि माँ को कहाँ पे रखा हुआ है। इतना तो मुझे पता है कि किसी मंदिर के बाहर किसी सुनसान फैक्ट्री में। ये जगह कहाँ हो सकती है? मैं कहाँ जाऊँ? ये जगह कहाँ हो सकती है? एक बंद फैक्ट्री जहाँ माँ को रखा है कहाँ हो सकती है? शलन के किसी बंदे का होगा। क्या है, फोन क्यों किया? मैडम, ये जो गन आपने हमें दी है उसके लिए हमें पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे? मतलब ये हमारे लिए है ना? हाँ हाँ, तुम्ही लोगों के लिए। अच्छा सुनो, मैं यहाँ शादी के मंडप पर, शादी में अभी थोड़ा टाइम है, उससे पहले मैं प्रीता की माँ से मिलना चाहती हूँ। जल्दी बताओ कहाँ पहुँचना है। आपको तो पता है ना? हाँ हाँ पता है, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट कौन से रास्ते से आओ कि जल्दी पहुंचू? फटाफट बताओ। ड्राइवर को क्या बोलूं? कौन से बंदर के पास है? ये चुप क्यों हो गया? कुछ बोल के नहीं रहा, कहीं से शब्द नहीं हो गया। मैडम, आप यहाँ बार बार आकर बहुत बड़ा रिस्क ले रही। यू ब्लडी फूल, तुम्हें जितना पूछा है उतना जवाब दो। बोलो किस रास्ते से आना है, कहाँ पहुँचू, फटाफट जवाब दो। ठीक है मैडम, आप अपनी शादी के बीच में से आ रही हैं, सही तो नहीं है, पर आ जाइए, मुझे क्या है। आप ड्राइवर को बोलिए शॉर्टकट का रास्ता। चलो फोन काटो। करण लूथरा, क्रिकेट ग्राउंड में तो तूने बहुत सिक्सर मारे हैं, आज यहां भी मार दे। अरे ये कौन बॉल से खेल रहा है यार? भाई की शादी हो रही है, आप तुम लोग बॉल से खेल रहे हो यार? समझ में नहीं आता, यहाँ पे शादी चल रही, मंडप लगा हुआ है, सारे कपड़े गंदे कर दिए उसके। सैमी, नो प्रॉब्लम, मैं अभी साफ कर देती हूँ। वो करीना, वो साफ होगा नहीं, वो चरणामृत और शहद है, वो बहुत स्टिकी है, वो पानी से वॉश करना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू वॉश कर, क्या वॉशरूम में जाके। नहीं ऋषभ, उठना नहीं बेटा, मंडप से ऐसे उठना अपशगुन होता है, शादी फिर से शुरू करनी पड़ेगी और मुहूर्त का वक्त भी तो निकला जा रहा है। करेक्ट मॉम, अशुभ तो है, एक्चुअली शादी में इतनी रुकावटें आ रही हैं, लगता है भगवान का कोई इशारा, शादी नहीं होनी चाहिए शायद, अब शगुन तो हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं मंडप छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऋषभ जी आप जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है करण, तुम ये शादी रोकना चाहते हो। ऑफ कोर्स, शादी रोकने के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। बाहर क्यों खड़ा अंदर? क्या हुआ?
मुझे अच्छे से मालूम था जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना उसे मेरी बात भी समझ में आ जाएगी। तुझे एक बात बोलूं, मेरे से लड़ा मत कर, झगड़ा मत किया कर। तू मेरे से झगड़ा करता है मेरी जान निकल जाती, फिर मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। पता है? तो फिर तुझे ये भी मालूम होगा ना इस दुनिया के अंदर तुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? तू। लेकिन तू ना, तू ना बस झगड़ा मत किया कर, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगा। तू बस झगड़ा मत किया कर मेरे साथ, जैसा बोलता हूँ वैसा मान लिया करना। कुछ सोच समझ के बोलता है ना भाई। मैं भी तुझे यहाँ लास्ट टाइम मनाने आया। तू मनाने नहीं दोहराने आया करना, अगर दोहराने के लिए आया ना तो मत दोहरा। देख बस मुझे एक चांस दे दे, लास्ट चांस, आई प्रॉमिस। इसके बाद मैं ये जो भी बात है कभी रिपीट नहीं करूंगा। बोल। आई लव यू यार। तू आगे बोल, यही बोलना था बस। नहीं, ये तो मैंने अपने दिल की बात बोली। एक्चुअली बोलने तो मैं ये आया था कि तूने अपनी शादी में प्रीता को देखा? वो तो आई नहीं ना। तुझे पता क्यों नहीं आई? मुझे कैसे मालूम चलेगा, मैं मंडप में बैठा था और मैं चाहता था मैं पूछ लूं किसी को। पहले मैंने सोचा मैं तुझे पूछता हूँ, पर मुझे लगा कि तुझे पूछूंगा तो तू हजार कहानियां सुनाएगा, तो फिर मैंने तुझे पूछा नहीं। खैर वो मुझे मालूम है वो आ जाएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे। लेट नहीं, बहुत लेट। तुझे पता प्रीता शादी में क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीता कुछ ऐसा लेने गई है जो तेरी और शलिन की शादी रोक दे। उसका मतलब प्रीता जी नहीं चाहती कि मैं शलिन से शादी करूं? नहीं चाहती है। क्यों? तुझे नहीं पता? मुझे कुछ नहीं मालूम यार, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना पता है कि प्रीता जी शलिन को पसंद नहीं करती। मतलब खैर वो एक अलग बात है, लेकिन तू क्या बोल रहा था कि मतलब प्रीता जी नहीं चाहती कि मेरी शलिन से शादी? यार तुझे क्या हो गया यार, मैंने तो सभी 10 बार बोली ये बात, तू बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीता जी नहीं चाहती, प्रीता जी नहीं चाहती कि तू शलिन से शादी करे। मैं वही पूछ रहा हूँ कि प्रीता जी नहीं चाहती कि मैं शलिन से शादी? नहीं चाहती। मतलब सच में प्रीता जी नहीं चाहती? अरे मेरे भाई सच में नहीं चाहती। तो फिर ठीक है ना यार। हाँ, तो मैं भी कहाँ शादी करना चाहता हूँ यार, तो तोड़ देते हैं ना शादी, तो बैठ आउट कर देता हूँ मैं। लेट्स बैठ आउट। मैं नहीं चाहता हूँ शादी करना यार शर्लिन से। क्या? मुझे पता चल गया कि प्रीता जी मुझसे क्या चाहती है। मैं काम करता हूँ, मैं नीचे जाके सबको बोल देता हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं अब एक मिनट मेरे भाई, एक बात बता मुझे। मतलब मैं तुझे इतनी देर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था तो तुझे समझ में नहीं आया, और प्रीता का नाम लेते तुझे सब कुछ समझ में आ गया? सब कुछ समझ आ गया क्योंकि मैं जानता हूँ करण कि प्रीता जी मेरे बारे में कुछ गलत चाहेंगे ही नहीं। हाँ, अब वो तेरी वो फिलोसफीज, वो लॉजिक कहाँ गए कि शर्लिन की जिंदगी, उसका सपना, लड़की की इज्जत, लड़की का सपना, वो सब कहाँ गया? हाँ, तू मेरा भाई है कि मेरा दुश्मन है? प्रीता जी जो चाहती है मैं वही चाहता हूँ, वो मुझे चाहती है। मुझे चाहती है मतलब कि वो मेरी भलाई चाहती है ना, तो उन्होंने बोल दिया होगा ना, मतलब बेचारी बोल दिया होगा वैसे करके। ओ, तो मैंने नहीं बोला, मैं भी तो बेचारा हूँ। करण तू बेचारा है? हाँ, तो तू मुझे रोका क्यों भी? तू यही चाहता है ना कि मैं शर्लिन से शादी ना करूँ, तो मैं नीचे जा तो रहा हूँ ना मना करने के लिए। सबसे माफी मांगूंगा कि मुझे शर्लिन से शादी नहीं करनी है। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? ऋषभ, तुमने शर्लिन से शादी करने के लिए हाँ कही, अब आधी शादी हो चुकी है, रस्में शुरू हो गई हैं, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें शर्लिन से शादी नहीं करनी? ऋषभ बेटा, बेटा तुम इतने समझदार हो, बचपना मत करो। हमारे सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, अब तुम सबके सामने जाके ये कहोगे कि तुम शर्लिन से शादी नहीं करना चाहते? बेटा जरा सोचो, शर्लिन का क्या होगा? वो आप सिर्फ शर्लिन के बारे में सोच रहे हो, भाई का क्या, उसकी मर्जी का क्या, उसकी जिंदगी का सवाल है। करण, ये बड़ों का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। और वैसे भी तुम्हारी शादी तो हो नहीं रही, जो तुम अपनी राय दे रहे हो। जब तुम्हारी शादी करवाएंगे तब तुम्हारी राय, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पसंद सब पूछ लेंगे, ठीक है? तो अब चुप रहो। मेरी शादी तो हो रही है, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तू शादी करना चाहता है कि नहीं। और मेरी मर्जी ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो ये बात शादी के लिए हाँ करने से पहले सोचनी थी, और देर हो चुकी है, शादी मंडप तक पहुंच गई है, सुना तुमने? अब तुम पीछे नहीं हट सकते। अब मैं तुम दोनों भाइयों की कोई भी कहानी, कोई भी बहाना, कोई भी मन गलत कहानी कुछ नहीं सुनना चाहती। शादी की विधि शुरू हो गई है, अब सारी विधि सात फेरे
शादी पूरी होने के बाद ही तुम मंडप से उठोगे। तुम्हें शर्लिन से शादी करनी होगी। नहीं करनी होगी। क्यों करनी होगी? करण नहीं चाहता मैं शादी करूं। मैं नहीं चाहता मैं शादी करूं। प्रीता जी नहीं चाहती मैं शादी करूं। मैं शर्लिन से शादी प्रीता जी के लिए ही कर रहा था। Moment, I don't want to get married. Please don't force me. I do not want to get married. Please.